ठीक है, क्या स्टार्ट करना है हम लोग को आज? हम लोग को स्टार्ट करना है फंक्शन इन एक्सेल। आपका कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर टू। टू, चैप्टर नंबर टू। दिख रहा है? दिख रहा है ना सबको? यस सर। देखो yes, अभी अभी हम लोग क्या करते हैं ना, आधे मिनट के इसको भूल जाते हैं। आप लोग इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं ये क्या लिखा हुआ है? एक्सेल सर, एक्सेल। एक्सेल लिखा हुआ है। एक्सेल का नाम पहले कभी सुना है आप लोगों ने? क्या पहली बार सुन रहे हैं? वीडियो ऑफ रखिए बेटा। सुना है? सुना है। क्या होता है बताइए एक्सेल के बारे में? सर एमएक्स एक्सेल सर, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का। हाँ, क्या होता है सॉफ्टवेयर में? क्या होता है सॉफ्टवेयर में? फटाफट सब लोग पढ़ के बता के हमको कंप्लीट करो, फिर से हम लोग बात करेंगे। सर ये सॉफ्टवेयर में एक स्प्रेडशीट होती है। हाँ वेरी गुड सर, उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। यस वेरी गुड सर, उसमें हम अपना कोई भी डेटा वगैरह अपनी फाइल्स बना के उसमें सेव कर सकते हैं। चलो वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड। ठीक है, और किसी को कुछ नहीं मालूम है क्या? अच्छा सब लोग ये बताओ, पीयूष ने सब सही बताया क्या? चलो भाई कंटिन्यू करते हैं, कोई नहीं बोलेगा, सब दूध पी लिए आज। ठीक है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो एक्सेल आपका क्या था? ये आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेडशीट बनाते हैं, वर्कशीट्स बनाते हैं। ठीक है, और आपकी जो भी वर्कशीट होती है वो किस तरह की दिखती है आपको? वो आपको दिखती है कुछ कुछ या बहुत कुछ इस तरह से। Am I right? सही कह रहे ना? ये आपका कुछ नहीं यहाँ पे होता है, ये होता है ए बी सी डी होता है, 1 2 3 4 होता है, ऐसा ही होता है ना? ये अप टू द कहाँ तक होता है? ये आपका बहुत आगे तक होता है, 1 0 4 8 5 7 6। ये 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाएगा? 10,48,576 आपकी रो होती है। ठीक है, उसी तरह से ये ए बी सी डी करते करते ये भी आपका बहुत आगे तक पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे ही आपका ए से लेकर ये जेड तक पहुंचेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए ए आ जाएगा, फिर ए बी आने लगेगा, ए सी ए डी, इसी तरह से करके कहां तक पहुंचेगा, ए जेड तक पहुंचेगा, फिर और आगे जब जाएगा तो फिर बी ए आने लगेगा, फिर ये वाला बी हो जाएगा, बी ए बी 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 सी, इस तरह से करके शुरू हो जाएगा, फिर ये बी जेड तक जाएगा, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये पहुंच जाता है यहां से। ठीक है, समझ गए? यस सर, यस। चलो 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 आगे चलते हैं, फटाफट से हम लोग पहुंचेंगे अब कहां पे, अपने चैप्टर पे आएंगे। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, इसी में हमको मालूम था ये जो आपके टॉप टू बॉटम, ये जो आपके ये क्या है, ऊपर से नीचे तक जो आपके होते थे ए बी सी डी जो आपके थे, ये आपके क्या थे? ये आपके कॉलम्स थे। क्या थे ये? कॉलम। कॉलम और 1 2 3 4 ये जो आपके हैं, ये आपके क्या है? रोज। रोज, ये वाला रोज, ये वाला रोज। अरे सर, आर ओ डब्ल्यू एस। आर डब्ल्यू एस, ठीक है, ये वाला रोज। ठीक है, तो अब एक चीज और, चलो अब ये क्या हो रहा है, ये आपको कौन सा कॉलम है, बी वाला है, और ये रो कौन सी है, वन वाली है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला रो और ये वाला कॉलम। अब क्या हो रहा है, जब ये कॉलम नीचे जा रहा है और ये वाला रो इधर जा रहा है, क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या हो रहा है, जब इनका इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये एक छोटा सा डिब्बा यहाँ पे बन रहा है, ये जो डिब्बा बन रहा है इसका क्या नाम होता है? B1। इसका नाम होता है B1। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत तेज है भाई आप लोग। ठीक है, और ये जो B1 है इसको हम लोग बोलते हैं B1, और ये जो बॉक्स होता है इसका नाम होता है सेल। जैसे इसका नाम कॉलम था, इसका नाम रो था, उसी तरह से इसका नाम क्या होगा, जो एक छोटे छोटे बॉक्सेस बनते हैं इनका नाम होता है सेल। यस यस सर।
चलो अब आगे चलते हैं, कोई डाउट है किसी को इसमें? हाँ बेटा पूछो। नो सर, सर समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा समझ में? अब भव्य के लिए हम लोग को दोबारा बताना पड़ेगा। क्या तुमने दूध नहीं पिया ना? बोलो। चलो देखते हैं, दोबारा बनाते हैं वही वाला फिगर। एक्सेल की एक वर्कशीट बना लेते हैं हम लोग फटाफट से, देर नहीं करेंगे। भव्य इतना तो समझ में आए ना कि इस तरह से जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमको इस तरह के बॉक्स मिलते हैं। ये आपके 1 2 3 4 ए बी सी डी, अभी हम दिखाएंगे, परेशान नहीं होना, ये सब चीजें हम दिखाएंगे, ठीक है। ये ए बी सी डी आपकी क्या होती है? कॉलम्स होती है। क्या होती है? कॉलम होती है। और जो 1 2 3 4 में लिखा रहता है ये आपके क्या होते हैं? रो होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? यस सर। इसके बाद अब जो आपका बी वाला कॉलम था, ये बी वाला कॉलम जब नीचे जा रहा है और ये वाला रो जब इधर जा रहा है तो देखिए क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर चला गया, ये इसके ऊपर चला गया ना। इन दोनों से आपका ये वाला एक रेक्टेंगल बनता है छोटा सा अंदर, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल। ये क्या होती है? सेल होती है। और हर सेल का अलग अलग नाम होता है। कैसे इनका नाम रखा जाता है कि कौन सा कॉलम है और कौन सा रो है? तो कॉलम कौन सा है? ये कॉलम नंबर बी है। और रो नंबर कौन सा है? भव्य सिर्फ आप बताएंगे और कोई नहीं बताएगा, ठीक है सर। सर वीडियो नहीं चल रहा है। वीडियो नहीं चल रहा है? तुम्हारा वीडियो हमने अभी बंद किया है क्योंकि तुम्हारे पास नेटवर्क सही से नहीं पहुंचेगा, मेरा वीडियो नहीं दिखेगा फिर आपको, ठीक है। ये हो गया बी वन, समझ गया ना? यस। कॉलम नंबर बी और रो नंबर वन, तो इसका नाम क्या हो गया? बी वन हो गया, समझ गए? चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है, आपके चैप्टर का क्या नाम है? फंक्शंस इन एक्सेल, ठीक है। एक्सेल में फंक्शंस कैसे यूज करते हैं या कौन कौन से फंक्शंस इसमें होते हैं? इसमें देखिए दो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, एक होता है फॉर्मूला और एक होता है आपका फंक्शन, ठीक है। हम पहले ही बता दे रहे हैं दोनों चीजें आपको, ठीक है। ये आपको आगे आपकी बुक में दिया होगा, हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं फॉर्मूला और फंक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपको जो कपड़े खरीदते हैं ना, दो तरह के कपड़े मिलते हैं ना मार्केट में, या तो वो रेडीमेड मिलते हैं या तो कपड़े खरीदते हैं फिर उसको अपनी इच्छा के अनुसार उसको डिजाइन करा के आप उसको क्या करते हैं, सिलवाते हैं, फिर टेलर के पास जाके सिलवाते हैं ना। तो उसी तरह से क्या होता है एक्सेल में, क्या होता है फॉर्मूला और फंक्शन का यूज। यहाँ पे कपड़े से कोई मतलब नहीं, हमने आपको एग्जांपल के बताया था कि आपका ये फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों का यूज हम लोग करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं एक्सेल में? कैलकुलेशन करने के लिए। कैलकुलेशन मींस आपका प्लस माइनस, आपका मल्टीप्लाई, डिवाइड और तमाम तरह की चीजें होती है, वो सारे टास्क हम लोग परफॉर्म करने के लिए फॉर्मूला और फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए अब समझिए, जो हमने आपको एग्जांपल दिए थे रेडीमेड और आपका जो कपड़े लेकर के सिलाने वाली जो बात हुई थी, उसमें क्या होता है, जो आपका फॉर्मूला होता है ये यूजर डिफाइंड होता है, इसको हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। जैसे हम लोग कपड़ा खरीद के अपने अपने पैर, अपने हाथ और अपनी डिजाइन अपने मनपसंद का सिलाते हैं ना, तो वो आपका फॉर्मूला हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो हमको कैलकुलेशन करना रहता है उसके लिए हम लोग जो अपने से बनाते हैं वो आपका फॉर्मूला है, ठीक है। फंक्शन क्या है आपका? बेटा आज का वीडियो नहीं चलेगा, परेशान नहीं हो, जो तुम्हारा वीडियो ऑन कर दे रहे हैं। चलो देखो, ठीक है देखो, तो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन आपका प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं ये? प्री डिफाइंड, यानी ये एक्सेल में पहले से ही फीड कर दिए जाते हैं कि आप उनको यूज करिए, ठीक है। जैसे
आपका सम फंक्शन का एग्जांपल यहाँ बता रहे हैं, सम होता है, मॉड होता है, आपका प्रोडक्ट होता है, ये सबका अलग अलग यूज है, ठीक है। जैसे इसका यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, मॉड का यूज करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, आपका प्रोडक्ट का यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से करके आपका मैक्स आता है, मैक्स का यूज हम लोग करते हैं जो भी हम लोगों ने नंबर्स दिए हुए उसमें से जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक। उसी तरह से मिनिमम आता है, जस्ट उसी मैक्स का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जितनी भी आपने वैल्यू दी होंगी सबसे कम वाली जो वैल्यू होगी वो उसके सामने ले आएगा। समझ गए दोनों में डिफरेंस। फॉर्मूला क्या है आपका, यूजर डिफाइंड, और ये आपका क्या है, प्री डिफाइंड। ये एक्चुअल में पहले से होता है और ये हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बना लेते हैं, ठीक है। दोनों चीजों में कॉमन क्या होता है, ये सब आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। कोई ऐसे ठीक है और मुझे समझ आ गया ये सब नहीं चलेगा, आपको नोट्स बनाना है और मुझे भेजना पड़ेगा, यही आपका होमवर्क होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला और फंक्शन जो दोनों चीजें हैं, जब भी ये स्टार्ट होंगी किसी भी सेल में तो उसके पहले आपको इज इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा, ये कंपलसरी होता है। मीन्स आपका फॉर्मूला फंक्शन विल ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल टू साइन, ठीक है। इक्वल टू साइन जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आप फॉर्मूला और फंक्शन का यूज नहीं कर पाएंगे। आप लोग अपना अपना वीडियो क्लोज स्टॉप कर लीजिए। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कैसे एक्सेल ओपन करते हैं, कैसे फॉर्मूला फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, चलो डायरेक्ट उसी बताएंगे आपको। सर क्या करना है? कुछ नहीं, बस आपको वीडियो जैसे देख रहे थे वैसे ही वीडियो देखिए और जैसे आप लोग सुन रहे थे वैसे ही सुनिए, ठीक है। अब मैं आपको सारी चीज दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा रहे हैं कि आप एक्सेल ओपन कैसे करेंगे। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो देख ले, ठीक है। आपके फोन पे देखिए अभी कंप्यूटर की स्क्रीन आएगी, ठीक है। यस सर आई। आ गई? यस सर आ रही है। देखो ये कंप्यूटर स्क्रीन आ रही है आपके सामने। यस सर। देखिए इसी तरह से आपके कंप्यूटर का डेस्कटॉप दिखता है ना जब आप स्टार्ट करते हैं तो। यस सर। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको कहाँ जाना है, ये आपकी स्टार्ट बटन होती है, स्टार्ट बटन पे आएंगे। हाँ स्टार्ट में जा करके हमको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है, स्टार्ट पे जाएंगे, देन हम लोग ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे। अब एक्सेल कहाँ दिख रहा है, देखो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, ठीक है। इसी पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सेल खुल जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक्सेल की स्क्रीन दिखाऊंगा, देख देख सकते हो एक्सेल। यस सर। देखो देखो बॉक्स देगा, यहाँ पे ए आ रहा है ना, ए बी सी डी, ऐसा ही हमने बनाया था ना, ढेर सारे बॉक्सेस बनाए थे, यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है। देखो कुछ और चीजें मैं आपको दिखाता हूँ, माउस पॉइंटर सबको दिख रहा है ना। यस सर। देखो ये जो आपका पोजिशन है ये आपका क्या है, वर्क एरिया है, हम लोग इस पे काम करते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो लाइन आपकी दी हुई है ये लाइन बोली जाती है टाइटल बार। यहाँ नीचे आपको देखिए ये होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, तो ये अलग अलग टैब है ना, ये टैब बार कहलाता है। क्या कहलाता है, ये टैब बार कहलाएगा या मेन्यू बार कहलाएगा। आप लोग उससे कुछ नहीं करिए बेटा, ठीक है, कुछ करिए नहीं उस पे, ठीक। नेक्स्ट ये आपका क्या है, आपका ये फाइल टैब है, ठीक। उसी तरह से ये आपका जो पूरा आपका जो टूल्स वाला एरिया दिख रहा है इसको हम लोग रिबन बोलते हैं, और नीचे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स। जिस सेल में आप होते हैं उस सेल का नाम यहाँ पे शो करता है, ठीक है। और ये आपका फॉर्मूला बार होता है, ठीक है। इसमें आप जो भी चीजें किसी भी सेल में टाइप करेंगे वो चीजें आपको इसमें दिखेंगे। माइक ऑफ कर लीजिए, बैकग्राउंड का बहुत सारा आपके, ठीक है। क्लियर है?
ठीक है। देखो अब ये आपका नेम बॉक्स था, अब हम क्या करते हैं, हमने बी वन लिया था ना, तो ये आपका हो गया कॉलम नंबर बी और रो नंबर वन। इस पर हम क्लिक करते हैं, देखो इसका नाम यहाँ पे दिखाने लगा कि नहीं दिखाने लगा, बी वन। यस सर। आप लोग स्क्रीन पे कुछ भी मत करिए, क्योंकि अगर आप जो भी चीजें स्क्रीन पे करेंगे ना तो वो सबको दिखेंगी, ठीक है, समझ गए सब लोग। अभी हम ऊपर वो कर देंगे, सोच लेना जो जो वो कर रहा है। सर ये क्या हुआ? हाँ क्या हो गया बोलिए। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों ने बी वन लिया था, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अगर कोई भी नाम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे आपका डी एच एस लिख दिया, तो आप देखिए जो भी आपका फॉर्मूला बार होता है उसमें भी वही चीज लिख करके आता है जो आप किसी भी सेल में जो भी चीज आप टाइप करते हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है चलो देखते हैं अब आगे। अब हम लोग बात करते हैं सेल रेफरेंस की, उससे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं सेल रेंज क्या होती है। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, ए वन वाले सेल से लेकर के हमको ये आपका एच कॉलम है और यहाँ पे क्या है आपका एच टेन है ये, और ये वाला क्या है ए वन है, हमको ए वन से लेकर के एच टेन तक जो पूरा सिलेक्ट करना है, तो ये क्या कहलाएगा आपका ए वन से लेकर के एच टेन तक का जो आपका सेल का रेंज है, ये आपका क्या कहलाता है, आपका सेल का रेंज कहलाता है, जो आपका ये सिलेक्शन है ये आपका क्या कहलाता है, सेल रेंज कहलाता है, समझ गए? यस सर। ठीक है, अब देखो अब आपके जो सेल होते हैं, सेल को आपके तीन तरह के रेफरेंस होते हैं, यानी उन सेल्स को आइडेंटिफाई करने का तीन आपको वो होता है। हमें क्या करते हैं, छोटा सा डेटा फटाफट बना लेते हैं, उसमें बच्चों का नाम रहेगा और उनके कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स रहेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया सीरियल नंबर दे दिया, यहाँ पे नेम दे दिया हमने, कोई स्पेलिंग गलत होगी तो इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी हम लोग क्या करना है, टाइम हम लोग के पास बहुत कम है। हमने यहाँ पे दे दिया हिंदी के मार्क्स, ऐसा आप लोग बता दीजिएगा हमको, ठीक है, हिंदी बेटा अपना माइक ऑफ रखो सब लोग। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, ये चार सब्जेक्ट हमने मार्क इनको देने हैं, ठीक है, सब में 100 आउट ऑफ देना है। सीरियल नंबर वन नाम यहाँ पे दे देते हैं, चलो अर्पिता दे दिया हमने, इनका हिंदी में 100 आउट ऑफ आया है 69, 74, आपका 54 और 87, ठीक है। उसी तरह से अब हम और आगे ले लेते हैं, टू आपका यहाँ पे हम ले लेते हैं 56, रैंडम कोई भी नंबर ले लेते हैं फटाफट से, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स का ले लेते हैं, 3, दिख रहा है सबको मार्क्स फीड हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक, देखो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इनके टोटल मार्क्स लिखने हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स, ठीक, और यहाँ पे लिखना है कि सबसे हाईएस्ट किसमें गया है, तो हम यहाँ पे मैक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सबसे कम नंबर जिसमें आया होगा, यहाँ पे मिन लिख दिया हमने, ठीक है, पहले हम इतना करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अब जैसे हमको क्या करना है, ये हम इसको सिलेक्ट जब कर रहे हैं, कोई चीज सिलेक्ट करने में क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, इसके चारों सब्जेक्ट्स के मार्क यहाँ पे टोटल करके लिखना पड़ेगा, तभी तो टोटल आएगा ना। यस सर। देखिए अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमको बिना इज इक्वल टू साइन के आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा,
तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, फिर देखो किसी ने कुछ किया उस पर, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं करना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, बस आप लोग को देखना है, आप लोग को कुछ करना नहीं उस पर, ठीक है। देखो हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू लिखा, इज इक्वल्स टू के बाद हम क्या करते हैं कि हमको सेल नंबर C2 इस पर हमने क्लिक किया, फिर हमने क्या किया प्लस का निशान लगाया, फिर हमने मैथ्स वाले पे क्लिक किया, फिर हमने प्लस का निशान लगाया, फिर हमने E2 पे क्लिक किया, फिर प्लस का निशान, फिर आपका इंग्लिश वाले पे क्लिक कर दिया और इसको एंटर कर दिया। क्या कर दिया इसमें, सब ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया, देखो ऐड हो गया ना सर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, हमने एक फॉर्मूला यूज कर लिया। अब जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, हम डायरेक्ट कोई चीज ऐड करना चाह रहे, तो हम यहां से क्या करेंगे, हमने इज इक्वल्स टू लिया, हमने ले लिया 45 प्लस 55, कितना आंसर आएगा, कितना आया 100। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, अभी हमने कोई फंक्शन यूज नहीं किया, ठीक है। इज इक्वल्स टू 50 माइनस 25 कितना आएगा, 25। चलो देखो आ गया कि नहीं आ गया, समझ गए। जब हमको ऐड करना था तो हमने प्लस साइन लगाया, हमको जब सब्ट्रैक्ट करना था तो हमने सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगा दिया। इज इक्वल्स टू 2 × 8 कितना आंसर आएगा, 3 × 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जैसे एंटर करेंगे इस पे हम क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जब आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई में आपको क्या करना रहता है, स्टार लगाना पड़ता है। और देखो अब यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 4 आ गया ना, 4 आ गया ना, समझ गए सब लोग। ये आपका क्या है, ये आपका सिंपल फॉर्मूले है, सिंपल फॉर्मूले। उसमें आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक आप सिंबल लगा रहे हैं, या तो जोड़ रहे हैं, या तो घटा रहे हैं, या तो उसमें से माइनस कर रहे हैं। अब अगर जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, हम देखो कंपाउंड एक फॉर्मूला बताते हैं, उसमें एक से ज्यादा सिंबल्स लग जाएंगे। जैसे इज इक्वल्स टू 2 स्टार लगाएंगे मल्टीप्लाई के लिए, फिर 2, फिर प्लस का साइन लगा देते हैं, 1 कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। वेरी गुड, किसने सबसे, किसने सबसे पहले बताया, देखो क्यों 5 आएगा, क्योंकि हम तो कहते हैं सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद फिर एडिशन करेंगे, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5, देखो आ गया ना आंसर, समझ गए। ये आपका कंपाउंड फंक्शन हो गया, ठीक है, एक से ज्यादा सिंबल्स यूज हो गए तो ये आपका कंपाउंड फंक्शन हो गया, समझ गए सब लोग, यस सर। चलो नेक्स्ट टाइम पे हम पूछेंगे भी, हम कुछ फॉर्मूले देंगे, वो आपको बताने पड़ेंगे कि कैसे वो यूज हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, अब देखो अब हम लोग यहाँ पे आपको आज फंक्शन यूज करना नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रेफरेंस क्या होता है, सेल रेफरेंस कैसे यूज करते हैं। सेल रेफरेंस हम लोग बेसिकली यूज करते हैं ये बताने के लिए कि हमने कहाँ से कहाँ तक की सेल्स को सिलेक्ट किया है, या कहाँ से कहाँ तक की सेल्स को लेकर के हमें फॉर्मूला या फंक्शन यूज करने हैं। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, हम एक फंक्शन लगा रहे हैं, सम फंक्शन लगा रहे हैं, इज इक्वल्स टू सम लगाते हैं, फिर हम ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, और यहाँ पे आपका क्या करेंगे, आपका C2 से लेकर के आपका E2 तक सिलेक्ट करके इसको हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। देखो ये टोटल करके बता दिया, हमने बताया था ना सम का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, ऐड करने के लिए करते हैं। ये क्या किया इसमें, सारा चीज ऐड करके आपको बता दिया, समझ गए, यस सर।
अब देखो इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो आपकी सेल्स लिखी हुई वो कैसी हुई, यहाँ फॉर्मूला बार पे देखिए C2:F2 लिखा हुआ है ना, यानी ये रेफरेंस कहाँ से यूज हुआ है, C2 से लेकर के F2 तक। अब देखिए ये जो टोटल आया है उसमें एक छोटा सा डॉट यहाँ पे दिख रहा है, अगर इस डॉट पे आप यहाँ पे जब अपना कर्सर ले जा रहे हैं, ये जो बड़ा सा प्लस है वो क्या हो जाएगा, छोटा सा प्लस बन जा रहा है। इसको जब हम ड्रैग कर देंगे तो जो हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया हुआ है वो सम वाला, वो क्या करेगा, ये आपके सारे में आपके जितने जहां से करेंगे सबको ऐड कर देगा। देखा आपने सर, वीडियो नहीं खेलना, देखा आपने कि नहीं देखा, सर वीडियो नहीं चल रहा, सर वीडियो नहीं चल रहा है। ठीक, देखो ये चीज समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम लोग दो मिनट थोड़ा सा कुछ डिस्कस करेंगे, जो जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें। अभी मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम का हम लोग ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो। यस सर। ये स्क्रीन में हटाता हूँ अभी आपके सामने, हट गई स्क्रीन सबके सामने से। सर कुछ आ नहीं रहा है। हाँ तो स्क्रीन मैंने हटा दी अभी, तो मैं सिंपल फॉर्मूले में आपका क्या हो रहा था, सिर्फ आपका एक सिंबल यूज हो रहा था। फिर हमने यहाँ पे कंपाउंड फॉर्मूले की बात करी थी, कंपाउंड फॉर्मूले में क्या हो रहा था, दो सिंबल यूज हो रहे थे, एक से ज्यादा सिंबल यूज हो रहे थे। हमने इक्वल्स टू लगाया, टू इंटू टू लगाया, इसमें तो स्टार लगाते हैं, ठीक है ऊपर लिख दे रहे, ठीक है वहां नहीं दिख रहा होगा, तो इक्वल्स टू टू स्टार।